फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू u प्लस एटी, ये कहां से आया, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। इसका डेरिवेशन भी काफी जगह पूछते रहता है, तो ये कहां से आया, तो बाय द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन से चलेंगे। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी, ओके, तो ये वाला मेन फॉर्मूला होता है। फाइनल v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और t हो गया टाइम पीरियड, ओके। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यहाँ पे ए टी हो जाएगा, देख रहे हैं ए और टी, ये टी को उधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू लिख सकते हैं, और फिर जो माइनस यू है इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी हो जाएगा। फिर रीअरेंज करके लिख दिए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। असल में ये एक्सेलरेशन वाला जो फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी का रीअरेंजमेंट है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उम्मीद करता हूं आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा।